नमस्कार, वेलकम टू कबड्डी अड्डा। 28 अक्टूबर 2017 चेन्नई, पटना पायरेट्स ने 17 अंकों से गुजरात फॉर्चूनेगिएंट्स को सीजन 5 के फाइनल में शिकस्त देकर खिताब पर कब्जा जमाया था। 4 दिसंबर 2018 वक्त बदला, जगह बदली, दोनों टीम एक बार फिर आमने सामने थे और मास्टरमाइंड मनप्रीत के फौज ने धूल चटाया पायरेट्स को और अंकों का अंतर रहा 18। सचिन ने खेल की शुरुआत की और अपने बेहतरीन हैंड टच दिखाते हुए विकास काले को बेंच पे भेजा। वहीं प्रदीप नरवाल अपने पहले ही रेड में बेहतरीन चेन टैकल के शिकार हुए। पटना पायरेट्स को पहला पॉइंट हाथ लगा दूसरे मिनट में, जब प्रपंजन को मंजीत ने अपने बेहतरीन होल्ड से बेंच पे भेजा। जहां अटैक में सचिन और प्रपंजन पूरे लय में दिखे, वहीं डिफेंस में प्रवेश लय में दिखे और पटना पायरेट्स को शुरुआती झटके दिए। 10वें मिनट में गुजरात फॉर्चूनेगिएंट्स ने पहला ऑल आउट कंप्लीट किया और बढ़त बनाई। हाफ टाइम का स्कोर रहा 20-12। सेकेंड हाफ में आते ही 24वें मिनट में गुजरात फॉर्चूनेगिएंट्स ने दूसरा ऑल आउट कंप्लीट किया और सेकेंड हाफ में भी दबाव बनाए रखा और जाइंट्स की प्रदीप नरवाल को ज्यादातर वक्त बेंच पे बैठाने की स्ट्रैटेजी पूरी तरह कामयाब साबित हुई। 38वें मिनट में जाइंट्स ने तीसरा ऑल आउट कंप्लीट करते हुए एक शानदार जीत हासिल की और प्लेऑफ्स में अपना स्थान सुनिश्चित किया। अपने 100% स्ट्राइक रेट, 8 टैकल पॉइंट्स के साथ प्रवेश बासवाल ने गुजरात फॉर्चूनेगिएंट्स के जीत में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। वहीं सचिन ने 10 और प्रपंजन ने 9 महत्वपूर्ण अंक जोड़े। गुजरात फॉर्चूनेगिएंट्स के इस जीत में डिफेंडरों की महत्वपूर्ण भूमिका रही और प्रदीप नरवाल के खिलाफ कुछ बेहतरीन चेन टैकल्स देखने को मिले। सब्सक्राइब करने के लिए सब्सक्राइब बटन प्रेस कीजिए और नए वीडियोस अपलोड नोटिफिकेशन के लिए बेल प्रेस कीजिए।